हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे वर्किंग करता है डैफ। तो एक नया इन्फॉर्मेशन वीडियो लाए हैं, तो डैफ और फ्लोकेटर जो हम लोग ETP वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर होते हैं, जो गंदे पानी होते हैं, जो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका एक स्टेप है, तो उसको हमको हम बताते हैं आपके बारे में। तो ये अपना जो दिख रहा है फ्लोकेटर है, ये तो देख रहे हैं, इसमें हम लोग डोजिंग करते हैं, केमिकल वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है अपना ETP वाटर का, PAC डोजिंग करते हैं। दो अलग केमिकल होते हैं जो डोजिंग करके हम लोग ये फ्लोकेटर होता है उसमें डायरेक्ट डोजिंग करते हैं। उसके बाद आता है फ्लोटेशन, ये होती है उसकी पूरा आपको मैं थोड़ा इसके बारे में दिखा देता हूँ। ये क्या होती है, इसका क्या काम करता है, जो बेसिकली जो अपना नीचे से ज़मीन से पानी आते हैं जो क्रूड ऑयल के साथ, उसमें ग्रीस और ऑयल कंटेंट होता है, तो उस सबको निकालने के लिए हम लोग डैप का यूज़ करते हैं। तो ये अपना पूरा सिस्टम देख रहे हैं, वहाँ से हम लोग डाल रहे हैं PAC और पोली डाल रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ से होती है एयर, जो पासिंग होती है ये होती है एयर की लाइन होती है पूरा, तो आपको आगे और मैं दिखाता हूँ। और ये होता है अपना जो भी ड्रेन होता है, कचरा होता है ऊपर ग्रीस ऑयल वो निकलता है, और नीचे से होता है सलज जो अपना जमता है वो हम नीचे से ड्रेन कर सकते हैं। तो देख रहे हैं नीचे वाल बटरफ्लाई बल्ब लगा है, और ये अपना होता है जो एयर निकालने के लिए होती है वाल, इससे हम लोग एयर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हर एक घंटा दो घंटा के बाद हम थोड़ा एयर निकालते हैं डैफ, जो अच्छे से अपना डैफ होता है वो चले, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। तो चलिए, तो ये अपना इसके अलावा ये होता है पूरा डैप का स्ट्रक्चर, और ये होती है यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये अपना इसका दो हम लोग अलग एक स्पेयर में मोटर और एक अपना वर्किंग मोटर होता है, तो ये देख रहे हैं। तो ये अपना सर्कुलेशन मोटर होता है जो इसको पूरा सर्कुलेट करता है एयर को, तो इसके लिए देख रहे हैं। तो ये प्रेशर तो अच्छा, आपको अगर डैप को रखना है, नियंत्रित करना है, तो प्रॉपर PAC डोजिंग और पोली डोजिंग आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे आपका ग्रीस ऑयल कंटेंट प्रॉपर हो। और ये अपना जो सर्कुलेशन करना पड़ता है, इसके जिससे आपको जो भी कचरे होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होता है वो आपको बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब एक साथ कोगुलेट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये है अपना देख रहे हैं, उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर गेज पर ध्यान दे लीजिए। तो ये अपना होता है वैक्यूम प्रेशर करने के लिए, तो ये माइनस में होता है, इसको आपको सेट करना पड़ता है। उसके अलावा एक होता है जो सर्कुलेशन करने के लिए होता है, तो ये आपको 3 से 4 kg के बीच में रखना होता है। और एक और होता है यहाँ पे नीचे पे आपको LPM एयर, जहाँ से लोग एयर देते हैं, तो उसको आपको 3 से 4 kg इसको भी बीच में रखना होता है, तो अच्छा से अपना डैप चलता है। इसके अलावा हमने रखा है यहाँ पे डैप का ट्रीटेड वाटर, जहाँ से हम लोग अच्छा पानी डैप के बाद जो जाएगा उसको हम स्टोर करने के लिए रखते हैं। इसके बाद ये पानी हम लोग MGF, SCF और बीच में सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो वहाँ से वाटर शुद्ध होता है। इसके बाद हम केमिकल वगैरह भी यूज़ करते हैं, जहाँ से आपको ETP वाटर में डायरेक्ट हम लोग केमिकल डोजिंग करते हैं, स्केल हो गया, क्रोजन का हो गया, इसके अलावा बायोसाइड्स हो गए, जो भी होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, जो ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड होते हैं शुद्ध करने के लिए, कितना आपको कम चाहिए ये सब ये यूज करने के लिए होता है। तो आपको हम ऊपर थोड़ा चल के दिखाते हैं कैसा है। तो देखिए अलग अलग स्टेप इस पर पानी आता है, तो ये अपना डैप का है, और ये आपको ऊपर जो दिख रहा है इसको हम लोग चेन स्कीमर बोलते हैं, ये इसकी मोटर, जहाँ से लोग धीरे धीरे करके जो भी कचरा जम रहा है, देख रहा है ऊपर कि कोगुलेट होके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं पानी में वो इजली कोगुलेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग PAC और पोली का डोजिंग करते हैं, जिसकी वजह से फिर एयर डाल के उसको हम एयर ऊपर लाते हैं और वो कंटेंट जो होता है वो बाहर निकलता है। तो देख रहे हैं, तो अच्छा अभी डैप अपना चल रहा है पूरा प्रॉपर, आपको दिख रहा है वाइट, तो ऐसा ही दिखना चाहिए प्रॉपर। और ये अपना शुद्ध पानी, इसके बाद ये दिख रहे हैं कितना कच्चा पानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पानी है, अब ये पानी का देखिए कितना क्लीन पानी है, तो ऐसा ही पानी आपको निकलना चाहिए यहाँ से। इसका pH वगैरह आपको 7.5 से लगभग बीच में होना चाहिए, उससे कम भी रहेगा तो चलेगा। ये देख रहे हैं, तो ये अपना पूरा मस्त चल रहा है डैप। और ये बगल में अपना यहाँ से इसमें आता है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाता है, और नीचे से हम लोग एयर सर्कुलेट करते हैं। तो ये अपना पूरा डैप का, तो इसकी धीमी स्पीड इतनी ही रहती है, जिसे जो भी कचरा होता है जो इसमें जाएगा, आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो देख रहे हैं जो ब्लेड लगा हुआ है अपने ब्लेड के थ्रू, देखिए ये जाएगा आपको ड्रेन पिट में, ड्रेन का आपको नीचे आपको दिखाया था वाल वहाँ से, तो देखिए ये यहाँ से ड्रेन में चला जाएगा, और हम यहाँ से डायरेक्ट ड्रेन पिट में इसको डालते हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। छोटा सा वीडियो था, धीरे धीरे इसका अगला पार्ट भी बताएंगे, और कौन सा पार्ट आता है ETP वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए।
चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करेंगे। अगर कुछ कमेंट रहेगा, कुछ सवाल रहेगा तो ज़रूर पूछें, और यहाँ तक आप देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ। कुछ जानकारी चाहिए और तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें।